आज हमारा डे 33 और आप लोगों की हमेशा मांग रहती है ऑर्गेनिक खाद बनाइए, एकदम प्योर हो और जो घर पे तैयार की गई हो, जिसमें केमिकल का बिल्कुल भी यूज ना हो। आज आपके लिए मैं बना रही हूँ एक ऐसी ही ऑर्गेनिक खाद। ये है केले के छिलके, जिन्हें मैंने अच्छे से एक हफ्ते तक धूप में सुखाया हुआ है ताकि इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर सके। केले के छिलकों में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटास होता है, कैल्शियम होता है और ये हमारे प्लांट के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो चलिए बनाते हैं इसकी खाद। खाद होगी एकदम तैयार, मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा पतला बारीक वाला पीस सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती है मुझे, हमारा जो अरेका पाम का प्लांट है उसमें स्पॉट बन रहे हैं, ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, वो पीला हो रहा है। सबका रीजन यही है, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होना, पोटास की कमी होना। उसकी रूट के किनारे अगर बड़ा गमला है तो इस तरह से डाल दीजिए। मेरा अरेका पाम का पौधा आपको इतना घना दिखेगा, हरा भरा दिख रहा होगा, ये इसका रीजन ये है। आप मेरे गुलाब के पौधे देख सकते हैं, गुलाब के आसपास भी इसे डाल सकते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपके बहुत सारे दोस्त प्लांट लवर हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए।